गाइस गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैं दिख नहीं रहा हूँ, ये ट्रायल प्लान मेरा सुबह सुबह स्टार्ट हुआ है। अभी सुबह के 4 बजे हैं और मैं जा रहा हूँ देहरादून स्टेशन, वहाँ से मेरी सुबह की ट्रेन है दिल्ली के लिए। तो पहले मैं स्टेशन जा रहा हूँ। एक्चुअली छत पे लाइट नहीं आ रहा था और अभी जस्ट कैब आ चुकी है और मैं जा रहा हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। एक्चुअली मेरा ट्रेन है आज सुबह सुबह ही, तो आज ये ट्रैवल मेरा मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ है 4 बजे से और मैं दिल्ली पहुँचूँगा 11 बजे। अभी मेरी ट्रेन है जनशताब्दी जो देहरादून से न्यू दिल्ली को जाती है, जो सुबह 5 बजे देहरादून से खुलती है, तो मैं 11 बजे पहुंच जाऊंगा। बाकी सुबह सुबह देखो पूरा रोड खाली है और मैं काफ़ी जल्दी स्टेशन पहुंच जाऊंगा। एक्चुअली 10 मिनट हाथ में लेके चला हूँ मैं, और बाहर का व्यू देखो पूरा रोड खाली है। हम लोग भी स्पीड में पहुँच रहे स्टेशन के लिए। एक्चुअली मुझे निकलते निकलते थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मॉर्निंग उठ के ट्रेन पकड़ने का आदत बहुत दिन से ख़त्म हो गया मेरा। स्टेशन ये आप मॉर्निंग व्यू चेकआउट करो स्टेशन का, पूरा रोड शांत है और सारी पब्लिक के साथ मैं भी आ गया हूँ ट्रेन पकड़ने के लिए जनशताब्दी, और मुझे लग रहा है एक नंबर पे ही खड़ी है ट्रेन, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे ही खड़ी है और मैं इन कर रहा हूँ। ऊपर आप देख सकते हो कोटा देहरादून, देहरादून न्यू दिल्ली 5 बजे। यहाँ पे ट्रेन लगी हुई है जनशताब्दी और मैं पहुँच गया हूँ रेलवे स्टेशन टाइम पे ही, और अभी मेरा ट्रेन छूटेगा नहीं क्योंकि मैं हूँ अभी स्टेशन पे। और सुबह के बजे जनशताब्दी के साथ साथ ही शायद वंदे भारत भी लगी हुई है, ये भी 7 बजे चलती है दिल्ली के लिए। या वंदे भारत को देखो, जस्ट मेरे प्लेटफॉर्म के बगल में ही लगी है, ये भी खुलेगी दिल्ली के लिए देहरादून से 7 बजे। तो पहले तो ये जाएगी और ये पहले पहुँचेगी। सुबह के बजे हैं 4:54 और मैं हूँ देहरादून रेलवे स्टेशन पे। तो ये जनशताब्दी लगी हुई है, ये मुझे पहुँचाएगी 11 बजे न्यू दिल्ली और ये खुलेगी 5 बजे। तो मैं वेट कर रहा हूँ इसका खुलने का। अब देहरादून और ट्रेन एक्चुअली टाइम पे ही खुली है, अभी देहरादून से हम निकल चुके हैं। सुबह के 5 बजे हैं और आप देखो सामने ये वंदे भारत का व्यू, और अब हम सीधा दिल्ली लैंड करने वाले हैं 11 बजे। तो हैप्पी जर्नी रहेगा गाइस मुझे भी। ये वंदे भारत लगी हुई है और आप देखो बाहर पूरा अंधेरा है बाहर, सामने आप व्यू देखो पूरा अंधेरा है। अभी सुबह के 5 बजे हैं तो अभी सूर्योदय भी नहीं हुआ है, और सूर्योदय का सीधा मेरठ पहुंचने के बाद ये देहरादून का व्यू। सो टाटा बाय बाय, गुड मॉर्निंग। काफ़ी रेस्ट के बाद सुबह हो चुका है और मैं पहुंच चुका हूं मेरठ बीचों बीच। अब इतना ही टाइम लगेगा मुझे दिल्ली पहुंचने में भी जितना टाइम मुझे लगा यहाँ मेरठ पहुंचने में, और सामने जा रही न्यू दिल्ली कटरा और मेरी ट्रेन लगी हुई है यहाँ पे। एक्चुअली 11:30 बजे पहुँचने का दिल्ली, बट थोड़ा लेट है, देखते हैं कितनी देर में पहुँचेंगे। अब हम ये है अभी हम हैं तिलक ब्रिज, फाइनली पहुँच गया मैं न्यू दिल्ली और ये जनशताब्दी लगी हुई है। और अभी बजा है 11:42, सामने आप वॉच में टाइम भी देख सकते हो। तो 6-7 घंटे का सफ़र था बट काफ़ी मज़ा आया, और अब पहुँच गए हैं न्यू दिल्ली अगेन। आपने मेरे सारे ब्लॉग में देखा होगा मैं कहीं की भी जर्नी स्टार्ट करता हूँ तो मैक्सिमम मेरा दिल्ली से ही प्लान होता है। देहरादून से 6 घंटा लगता है दिल्ली पहुँच जाता हूँ। तो अभी मैं जाऊँगा फ़िलहाल अपने फ्रेंड के फ्लैट पे, आफ्टर दैट आपको दिखाता हूँ क्या क्या करते हैं। एक्चुअली सस्पेंस है मेरा प्लान, सस्पेंस क्या मुझे भी क्लियर नहीं है कि कहाँ जाना है, बट कहीं तो कहीं प्लान करूँगा ही। सो फिलहाल मैं जाता हूँ कैब लेने के लिए, कैब लेके फिर जाएंगे पटेल नगर जहाँ पे कविंदर मेरा इंतज़ार कर रहा है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का व्यू, एक्चुअली मैं बाहर आ गया हूँ और मेरी कैब यहीं से चलेगी। बहुत गर्मी हो रखा है यार यहाँ, तो पूरी धूप है। तो पहले मैं पहुँचता हूँ कविंदर के रूम, पहुँच गया हूँ यहाँ कविंदर के फ्लैट। आप हमेशा मेरे ब्लॉग में देखते होंगे इस रूम पे, काफ़ी कॉमन है ये रूम। और कवि यो, फाइनली फिलहाल रेस्ट करूँगा, बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ मैं। अब ये कविंदर का फ्लैट देखो, पूरा पढ़ाई का माहौल है यहाँ पे। सो मैं मिलता हूँ आपको। थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं आ गया हूँ पटेल नगर मेट्रो स्टेशन, और यहाँ से अभी हमारा प्लान हुआ है चांदनी चौक जाने का। ये मेट्रो स्टेशन का व्यू आप सामने देखो, वहाँ पे कविंदर रेडी है, मैं और कविंदर जा रहे हैं चांदनी चौक। तो आ गया मेट्रो स्टेशन,
चांदनी चौक में कुछ मार्केट एक्सप्लोर करना है, आफ्टर दैट वापस पटेल नगर का आज हमारा प्लान है। आप देख रहे होंगे सुबह से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और यहाँ सामने से एक मेट्रो आ रही है। एक्चुअली हम ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है और हमें इस साइड जाना है, तो मेरी भी मेट्रो आ गई है आप देख रहे हो सामने। तो हम जाएंगे चांदनी चौक, पहले राजीव चौक, राजीव चौक से मेट्रो चेंज करना होगा येलो लाइन, आफ्टर दैट चांदनी चौक। तो मैं बोर्ड कर जाता हूँ पहले। राजीव चौक मोस्ट बिजिएस्ट मेट्रो ऑफ दिल्ली, और यहाँ से अभी चेंज करना है हमें येलो लाइन को, कि चांदनी चौक येलो लाइन में है और अभी हम आए हैं ब्लू लाइन से। तो फिलहाल हम राजीव चौक से अभी जाएंगे येलो लाइन। यहाँ से दो मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से मेट्रो खुलेगी तो जाएगी न्यू दिल्ली, आफ्टर दैट चांदनी चौक, तो वहाँ हमारा स्टॉपेज है। कविंदर भी देखो सामने सामने जा रहा है, और अभी हम जा रहे हैं फिलहाल अगेन मेट्रो बोर्ड करने के लिए चांदनी चौक। और यहाँ पे पहुँचते के साथ आपको बहुत ज़्यादा क्राउड मिलेगा, सामने ब्रांडेड बैग्स के जब भी देखोगे, और ऊपर देखो चांदनी चौक में विधानसभा में आपका स्वागत है। तुम फाइनली पहुँच गया हो चांदनी चौक कुछ कुछ शॉपिंग करने के लिए, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। पहले मार्केट इन करना है, आफ्टर दैट शेड्यूल करना है कि लेना क्या क्या है, अभी तक कुछ पता नहीं है, बट फिर भी कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाएंगे हम। तो आपको दिखाता हूँ क्या क्या शॉपिंग करते हैं और क्या क्या चीज़ के लिए चांदनी चौक फेमस है। आप भी भीड़ को आप भी नज़दीक से देखो, पूरा मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है, मार्केट अभी शॉप में जाने के लिए लोग लाइन लगते हैं, और अभी हम भी जा रहे हैं, बहुत व्यू बहुत क्राउड है, पूरी पब्लिक बैठी हुई है। अब हम देखते हैं कि ऑर्डर करना क्या है हमें, तो फिलहाल हम स्कैन करेंगे यहाँ पे। यहाँ भीड़ देखो कितना ज़्यादा भीड़ है, पाव भाजी बॉम्बे पाव भाजी झक्कास पाव भाजी अभी खाएंगे हम लोग। यहाँ भीड़ देखो आप कितना ज़्यादा है चांदनी चौक पे। आ गया लजीज टिक्की, देखो कितना डिलीशियस लग रहा है, और यहाँ पे कविंदर का टिक्की है, लग रहा है प्लेट बदल दूँ, मेरे वाला लजीज नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे आप भीड़ देखो, ये चांदनी चौक मार्केट है, पूरा मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो पहले मैं टिक्की खा लेता हूँ क्योंकि कविंदर स्टार्ट कर चुका है, शाम हो चुका है। और यहाँ पे चांदनी चौक का सामने आप देखो, चांदनी चौक में हमारा स्वागत है। काफ़ी देर से हम शॉपिंग कर रहे थे यहाँ पे, और ये बीचों बीच चांदनी चौक की एक गुरुद्वारा बहुत ही फेमस है, तो मैं सोचा इस गुरुद्वारे को मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे बहुत फेमस गुरुद्वारा है, यहाँ पे आके आप लंगर भी खा सकते हो, आज पकौड़े का दिन है यहाँ पे, आज आप पकौड़ा भी मिलेगा यहाँ। खैर हमारे पास बहुत ज़्यादा सामान है तो हम प्लान नहीं कर रहे हैं, और अभी फ़िलहाल रिक्शे की सवारी हो रही है हमारी, सामने रेड फोर्ट है। एक्चुअली कैब इस रास्ते में नहीं आता है तो रिक्शा करा हमने, और रिक्शे से भी हम जाएंगे रेड फोर्ट, वहाँ से फिर कैब करना है, फिर जाना है रूम पे, क्योंकि तो सुबह से यार मैं बहुत टायर्ड हूँ, सुबह से देहरादून से आया हूँ दिल्ली और बैक टू बैक मार्केट आ गया हूँ, तो काफ़ी टायर्ड हूँ। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि पहले जाके रेस्ट करूँगा, क्योंकि आज के लिए काफ़ी था। तो फिलहाल मैं पहुँच रहा हूँ रेड फोर्ट, और मैं आपको नज़दीक से रेड फोर्ट का व्यू दिखाता हूँ, जहाँ पे मोदी जी आके झंडा फहराते हैं हर एक 15 अगस्त और 26 जनवरी। गौरी शंकर मंदिर बीचों बीच चांदनी चौक के, और बहुत क्राउड है। अभी दिवाली का शॉपिंग चल रहा है, और सामने मैं पहुंच चुका हूं लाल किला के, ये सामने लाल किला देखो, बहुत ही नज़दीक है लाल किला मेरे से, बट यहाँ पे अभी हम जाएंगे। सवारी हमारी ओवर हो गई, हम रेड फोर्ट से निकल गए हैं कैब से अब पटेल नगर, तो फिलहाल ऑन द वे हैं और काफ़ी टायर्ड हो चुके हैं हम लोग शॉपिंग करके, सुबह से भटक रहा हूँ इस रास्तों पे, और अब हम विद इन हाफ एन आवर पहुँच जाएंगे पटेल नगर, तो वहाँ से हमारा रेस्ट मोड ऑन होगा। फिलहाल हमारा जर्नी बिगिंस है चांदनी चौक टू पटेल नगर। भैया देखो आप हमारे साथ, भैया भी इंजॉय कर रहे हैं क्या भैया, आगे जाम मिलेगा क्या? बहुत बिल्कुल मिलेगा भैया। अरे बताओ, भैया बोल रहे हैं आगे जाम मिलेगा, और सामने मैप भी चला दिए, ये आप देखो पूरा रेड रेड शो कर रहा है, काफी डर भी लग रहा है, क्योंकि अब लग नहीं रहा बाहर में इतना टाइम बिता पाऊंगा, क्योंकि सुबह से आप देख रहे हो मैं सुबह 5 बजे से निकला हूँ बाहर, उठा तो मैं 4 बजे ही हूँ, तो फिर भी क्या ही करेंगे, जिंदगी है, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। तो अभी हम गुड नाइट, मैं पहुँच चुका हूँ फ्लैट पे, और पूरा लाइट ऑफ है, और अब मैं सोने का प्लान में हूँ फिलहाल।